सर्वेभ्यो नमो नमः। महत् प्रमोदस्य विषयो अस्ति यत् अद्य तृतीय दिवसः एवं च तृतीयं सत्रं वर्तते। तृतीय सत्रे अस्मिन् अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति यत् पुनः अस्माभिः सह विषय विशेषज्ञ रूपेण समागताः सन्ति इग्नू शिक्षापीठतः प्रोफेसर अरविंद झा महोदयः। महोदयं वयं सुपरिचिताः स्मः, यः अपि महोदयस्य व्याख्यानम् आसीत् दर्शन विषये। अद्य महोदयस्य व्याख्यानं भविष्यति मनोविज्ञान विषये। तेषां विषयः अस्ति कॉग्निटिव इन इंडियन फिलॉसफी एनईपी 2020। वस्तुतः महोदयस्य परिचयं यः अस्माकं भगिनी तमन्ना महोदया दत्तवती, देहली विश्वविद्यालयतः शिक्षा संजाता महोदयस्य, एवं च एतेषां मार्गनिर्देशने 30 छात्राः लघुशोधकार्यं कृतवन्तः, 7 छात्राः शोधकार्यं पूर्णरूपेण कृतवन्तः, एवं च 8 छात्राः मार्गनिर्देशने कुर्वन्ति। महोदयस्य शोधपत्राणि बहुषु राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्रिकासु प्रकाशिताः, एवं च बहूनां अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पत्रिकाणां संपादक मंडले अपि महोदयः सन्ति। महोदयस्य अत्यंत प्रियः विषयः भवति ज्ञानमीमांसा। मनोविज्ञानस्य ज्ञानमीमांसां स्वीकृत्य व्याख्यानं दर्शयन्ति, एवं च दर्शनस्य ज्ञानमीमांसां स्वीकृत्य। अतः सत्रे अस्मिन् महोदयः भवताम् अस्माकं श्रीलालबहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय पक्षतः शिक्षणाधिगम केन्द्र पक्षतः हार्दं स्वागतम् अस्ति। भवतः विषयः अस्ति कॉग्निशन इन इंडियन साइकोलॉजी एनईपी 2020। सो सर, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द सेशन प्लीज। थैंक यू आरती जी। जो लोग अभी मुझसे जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरा एसोसिएशन इंडियन साइकोलॉजी में लगभग 20 साल पुराना है। और जब भारत के कुछ लोगों ने ये मिलके कहा कि दुनिया की जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है, क्यों ना हम अपनी संस्कृति और अपने ग्रंथों में या अपने दर्शनों में देखें कि किस तरह के मनोविज्ञान उपलब्ध है, तो हम लोगों का एक औपचारिक रूप से तो नहीं, एक समूह था जिसको लीड दे रहे थे और अभी भी दे रहे हैं। उसमें 3-4-5 नाम आपको प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा। प्रोफेसर के रामा कृष्ण राव, जो कि आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और पैरासाइकोलॉजी की दुनिया में आज तक अभी भी ओल्डेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने मुझे इन लोगों के संसर्ग में आने का मौका दिया, तो मैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो अभी अभी जो एक सूची जारी हुई है उसमें भारत विश्व के 10 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में से जो अभी हैं उनमें से एक भारत से जिसका नाम आया है वो प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा है। तीसरा इन्हीं जिनको मैं बहुत आदर के साथ और जिनकी चीज़ों को पढ़ता भी हूँ, प्रोफेसर आनंद परांजपे, जो साइकोलॉजी के ही प्रोफेसर हैं और वो हैं साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा में। इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला है जिसमें केरला से जॉर्ज मैथ्यू हैं और अब तो भारतवासी ही हैं वो, मथाइस कॉर्नालिसा हैं जिन्होंने भारत में पहली बार इंडियन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है। मेरे मित्र जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं वर्मा, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नाम हैं, प्रसानंद प्रकाश हैं, उसमें एक नाम जो इंडियन साइकोलॉजी को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में रिसर्च करते हैं और लगातार छापते और छापते रहते हैं, वो हैं प्रोफेसर किरण कुमार, जो मैसूर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के, जॉर्ज मैथ्यू, बहुत सारे नाम हैं। तो इन लोगों के संसर्ग में आने के बाद हालांकि मुझे भी मौका मिला कि मैं देखूँ कि इंडियन साइकोलॉजी क्या है, कैसे है, किस रूप में है। और लगातार हम लोग सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और इस ग्रुप ने दो काम बड़ा महत्वपूर्ण किया है। दो हैंडबुक पब्लिश किया है जिसका नाम है हैंडबुक ऑन इंडियन साइकोलॉजी। पहला वॉल्यूम के जो एडिटर्स हैं वो तीन लोग हैं, प्रोफेसर राव, परांजपे एंड दलाल, प्रोफेसर अजीत दलाल, हाँ मैं उनका नाम भूल गया, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन तीनों ने मिलके इसको एडिट किया।
दूसरी पुस्तक और आई हैंडबुक ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में, जो आज आधुनिक समय की बात मैं कर रहा हूँ, मैं प्राचीन समय मतलब कि आज़ादी से पहले भी कुछ नाम आपको बताऊंगा, उसमें उसके एडिटर रहे मथायस कॉर्नलिसा, ग्रिसर मिश्रा और वर्मा। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इंडियन साइकोलॉजी में तो मैं ये अनुमोदन कर रहा हूँ कि इन दो पुस्तकों को तो आप जरूर ही देखें। जो पहली पुस्तक है हैंडबुक ऑन इंडियन साइकोलॉजी, उसमें एक चैप्टर मेरा भी है, पर्सनालिटी इन इंडियन साइकोलॉजी इंडियन थॉट सिस्टम। हालांकि आज मैं कॉग्निशन के ऊपर बोलूंगा, कल एपिस्टेमोलॉजी से रिलेट करते हुए कि कैसे। अगर आप सच में बहुत इंटरेस्टेड हैं इंडियन साइकोलॉजी को जानने के लिए, तो जो एक और काम है जो 3 वॉल्यूम में छपा हुआ है और वो आज़ादी से पहले छपा है, 1938 के आसपास छपा है, और आप लोग उनका नाम जानते होंगे, जे एन सिन्हा का बहुत ही पायनियर वर्क है, और मुझे लगता है कि वो अब तक भारत में जो फिलोसफर्स पैदा हुए उनमें से ही इज़ वन ऑफ देम। तो उन्होंने इंडियन साइकोलॉजी के नाम से, बेसिकली वो फिलोसफी के आदमी थे और इंडियन थियोरी ऑफ नॉलेज उनका बहुत अच्छा काम है, 3 वॉल्यूम में उन्होंने किताब, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ ठहर गया और आज़ाद भारत में जिस गति से उस पे कुछ काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने लगभग जब पहली बार वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो ऐसा लगा था कि चलिए कुछ इंडियनाइजेशन की काम किया जाए, तो उस समय मैं जुड़ा था इन लोगों के साथ और मुझे इन लोगों ने इसलिए मौका दिया था। न्याय दर्शन में अगर आप ठीक से देखेंगे तो फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और मानव, ये तीनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें साइकोलॉजी और फिलॉसफी में डिस्टिंक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। 6 दर्शन में से ये एकमात्र ऐसा दर्शन है जो इस तरह, इसलिए नहीं कि मैंने इसको PhD किया, मैं सभी दर्शनों को देखने की कोशिश करता हूँ, खासकर एपिस्टमोलॉजी को लेके सिर्फ यही दर्शन नहीं, मेरा इंटरेस्ट बुद्धिस्ट एपिस्टमोलॉजी में उतना ही है जितना कि न्याय एपिस्टमोलॉजी में है। तो इनकी किताब को देखें। एक किताब और अगर इंडियन साइकोलॉजी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी कम से कम कॉलेजेज ऑफ एजुकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, स्कूल ऑफ एजुकेशन में, कम से कम अगर साइकोलॉजी के लोग नहीं करते हैं तो एजुकेशन में इंडियन साइकोलॉजी को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। एक और पुस्तक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है आनंद परांजपे जी का, जो अब वहीं साइमन फ्रेजर से वहीं कनाडा में रहते हैं, सेल्फ एंड आइडेंटिटी इन मॉडर्न साइकोलॉजी, बहुत अच्छी किताब है, इसको जरूर देखिए। बाकी दो मैंने आपको बता ही दिया। परांजपे और राव साहब की एक अलग किताब भी है जिसका वो भी इंडियन साइकोलॉजी के ही नाम से है। एक और ऑथर हुए हैं जिनका नाम है एन रॉस रिएट। रॉस ने एक किताब लिखा है दी ओरिजिन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, और बाकी मैंने जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, हैंडबुक ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, इन सब का रेफरेंस आपको दिया ही। और परांजपे और राव की एक किताब है साइकोलॉजी इन द इंडियन थॉट, उसको देखें। तो मुझे मौका इस तरह से मिला कि NCERT ने एक कॉन्फ्रेंस किया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो था इंडियन साइकोलॉजी इन इंडियन क्लास। तो मैं, मुझे पेडागॉजी के दृष्टिकोण से बोलने के लिए कहा गया था। और एक बात मैं अभी आपसे बताना चाहूँगा, कल मैं नहीं कह पाया कि हम लोग पढ़ते रहे हैं BEd में और अभी भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उन तमाम लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनके काम को उतना ही इम्पोर्टेंस देता हूँ जितना भारत के चिंतकों ने अपना काम किया है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि बड़ा ही सुपरफिशियल है। जैसे मेथोडोलॉजी के नाम पे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हम कहते हैं कि इंडक्टिव मेथड इज अपोजिट टू डिडक्टिव मेथड। आप पढ़िए किताब उठा, जितनी भी आप एजुकेशन की किताब पेडागॉजी की और मेथोडोलॉजी की उठाएंगे उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, और हर टीचर कहता है इंडक्टिव मेथड अलग है और डिडक्टिव अलग है, और इंडक्शन जो है वो डिडक्शन का उल्टा है। देखिए, इसके पीछे हिस्टोरिक रीजन है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। हिस्टोरिक रीजन ये है कि जब ग्रीक नॉलेज जब सुप्रीम था और वो रूल कर रहा था पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पे जो एरिस्टोटेलियन थॉट थी, सोक्रेटिस और प्लेटो के जो थॉट्स थे, तो वो लोग मानते थे कि जो डिडक्शन इज द ओनली मेथोडोलॉजी टू अराइव एट राइट नॉलेज।
फ्रांसिस बेकन ने जिसको चुनौती दिया इंग्लैंड में, और फिर उसने कहा कि नहीं, इस कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिडक्टिव लॉजिक से ही राइट नॉलेज तक पहुंचा जा सकता है, और डिडक्टिव मेथोडोलॉजी को प्रयोग, इंडक्टिव मेथड भी अपने आप में बहुत पावरफुल है, और फ्रांसिस बेकन ने काफी लिखा है इंडक्टिव मेथड पे, और उसको क्रेडिट भी जाता है। बाद में क्या हुआ कि इतना मजबूत हुआ कि इवन साइंस में इन बात पे दो धारे में लोग बट गए। मैथमेटिशियंस कहने लगे वी आर डिडक्टिव इन नेचर, और साइंस के लोग कहने लगे वी आर इंडक्टिव इन नेचर, और तब से लेके अब तक हमें ये पढ़ाया जाता है। आप ताजुब करेंगे, जब तक इन लोगों का अस्तित्व भी नहीं था, ठीक है, फ्रांसिस बेकन शायद पैदा भी नहीं होंगे, उससे पहले ही न्याय दर्शन में कही गई है मेथोडोलॉजी को लेके कि इंडक्शन एंड डिडक्शन आर नॉट द टू अपोजिट मेथोडोलॉजीज, रादर दे आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। और जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था, कल भी मैंने कहा कि एपिस्टेमोलॉजी मेरा पसंदीदा एरिया है, क्योंकि 5 साल तक बहुत एकदम जी जान लगा के केवल एपिस्टेमोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा था। तो अपने थीसिस में इस बात को लिखा, और जिसका आज अगर मुझे एक लाइन में कहा जाए कि जो 5 साल आपने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी और न्याय एपिस्टेमोलॉजी या आपने पीएचडी की थीसिस लिखी, तो उसका कंक्लूजन क्या करेंगे, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेथोडोलॉजी, मेरा कंक्लूजन होगा आज, और मैं कहता भी हूं इस बात को, कि नो इंडक्शन इज पॉसिबल विदाउट डिडक्शन एंड नो डिडक्शन इज पॉसिबल विदाउट इंडक्शन। अगर, और जब मैं इस तरह का स्टेटमेंट देता हूं तो मैं इसको डिफेंड कर भी करता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेटमेंट, आई नेवर गिव स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट। आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो आपके पास आपका तर्क, आपका आर्ग्यूमेंट, और वो लॉजिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि आप कह रहे हैं। हाँ, दुनिया को पूरा राइट है आपसे डिफर करने का, और अगर डिफर नहीं होगा तो नए ज्ञान का सृजन ही नहीं होगा। एरिस्टोटल ने भी कहा कि अगर एंटीथीसिस नहीं होगी तो थीसिस ग्रो ही नहीं करेगा, और जो बाद में उसने डायलेक्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और यही बात न्याय में है। जितने ग्रंथ न्याय दर्शन में हैं, षड् दर्शन के किसी भी ब्रांच में उतने ग्रंथ, उतने टीकाकार टिप्पणी ने नहीं लिखा है, पूरे होशोहवास और दावे के साथ कहता हूं, और उसमें से लगभग आधे तो मेरे पास है, 200 से 250 किताबें केवल न्याय की उन चीजों पे है। और उसमें आप देखिएगा कि केवल प्रत्यक्ष क्या है, या अनुमान क्या है, या उपमान क्या है, या शब्द क्या है, उस पे हर टीकाकार एक दूसरे से डिफर किया है, तभी तो बॉडी ऑफ नॉलेज बनता है, ग्रो कैसे करेगा। अगर एक चीज, एक सत्य को सभी मानने की यही अंतिम सत्य है, तो दूसरा सत्य का निर्माण ही नहीं होगा। खैर, तो ये भूमिका थी। अब हम सीधे सीधे चलते हैं जो मेरा टॉपिक है। टॉपिक है कॉग्निशन इन इंडियन साइकोलॉजी। इसके लिए एक छोटा सा राइटअप भी मैंने किया, और मैं सोचा कि चलो आप, आज आपसे शेयर करूँगा। शुरुआत करते हैं हम इस बात से कि अगर हम कहते हैं कि कॉग्निशन इन इंडियन साइकोलॉजी तो क्या मतलब है। कल हम कह रहे थे ज्ञान मीमांसा, आज हम संज्ञान कह रहे हैं, तो क्या है। देखिए, एक चीज तो हम सब इस बात से सहमत होंगे कि जो मनुष्य है वो अपने आप में एक सीकर रहा है, वो खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और वो तीन काम करता है। ही और शी सीक्स, ही और शी क्रिएट्स, एंड ही और शी कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, तो वो सीकर भी है, क्रिएटर भी है, और कंस्ट्रक्टर भी है। और मुझसे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं अपने ही दर्शन के आधार वाक्य के अगेंस्ट कह रहा हूँ कि मैं अपने को कंस्ट्रक्टर ज्यादा देखना पसंद करूंगा, इसलिए मुझे कंस्ट्रक्टिविज्म उतना ही पसंद है। सो ह्यूमंस आर सीकर्स, क्रिएटर्स, एंड कंस्ट्रक्टर्स। तब अब सवाल उठता है कि आप सीक कैसे करेंगे, मनुष्य क्रिएट कैसे करता है, और मनुष्य कंस्ट्रक्ट कैसे करता है। तो ह्यूमन क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी प्रकार के क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन के लिए सीकर्स का मैं नहीं जानता, क्योंकि सीकर्स, जब आप अध्यात्म का जो एरिया है उसमें मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत कुछ नहीं समझने की कोशिश की है, इसलिए मैं सीकर शब्द को हटाता हूँ। हम सिर्फ क्रिएटर और कंस्ट्रक्टर शब्द को मैं लेना चाहूंगा कि ह्यूमन क्रिएशन एंड ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस आर बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग,
एंड दैट इज ऑन ह्यूमन कॉग्निशन, मानव संज्ञान. व्हाई? बिकॉज इट इज अ कॉग्निशन वेयर वी लुक फॉर रियलिटी एज इट इज इन इटसेल्फ. कि जिसको आप वास्तविकता कहते हैं वो रियलिटी ऑफ रियलिटी क्या है. सो कॉग्निशन, नोइंग, परसीविंग एंड थिंकिंग, ये तमाम शब्द एंड दे आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट इज इट टू बी ह्यूमन बीइंग. अगर मैं मनुष्य हूं तो मैं संज्ञान की तलाश में हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं परसीव करना चाहता हूं, मैं थिंक करना चाहता हूं. एंड इट इज स्टडीड बाय यू नो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स, और भारतीय ऋषियों ने और मुनियों ने भी इस पर काफी काम किया है. सो अब एक सवाल और उठता है कि हम कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड कॉग्निशन, अगर हमें संज्ञान को समझना है तो क्या समझना पड़ेगा. कल भी मैंने ये उदाहरण दिया था कि किसी रोगी के रोग को आप दूर करते हैं तो किसी रोगी के रोग को केवल रोग को देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, रोगी के को भी आपको देखना पड़ेगा. यानी वो जो मानव है, जो अब रोगी जिसको आप कह रहे हैं, वो क्या है ये भी देखना और समझना जरूरी है. सो वी ऑल नो वेल दैट टू अंडरस्टैंड कॉग्निशन, द मेंटल प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन ए कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेंसरी वर्ल्ड नीड टू बी स्टडी. उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका श्रवण होना चाहिए, मनन होना चाहिए, उसका निधिध्यासन कि मस्तिष्क क्या है. कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड इन इंडियन थॉट सिस्टम. न्याय की परंपरा में मैं इस पर बोल सकता हूँ, सभी परंपराओं पे अभी माइंड को मैंने देखने की को नहीं देख पाया. सो द मेंटल प्रोसेस को समझना बड़ा जरूरी है, एंड उसको हम एक्सप्लेन करें, उसको एक्सप्लिकेट करें इन ए लार्जर कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन ए सिंगलटन कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि वेस्टर्न के ज्यादातर थिंकरों ने किया है. आप पियाजे को देखेंगे तो ही वाज अ बायोलॉजिस्ट, वाज नॉट ए साइकोलॉजिस्ट एट ऑल. तो वो बायोलॉजिस्ट था तो उसने सब कुछ बायोलॉजिकल एंगल में देखा. फ्रायड को देखेंगे तो फ्रायड वाज अ मेडिकल डॉक्टर, वो साइकेट्रिस्ट था, तो उसने हर चीज को साइकेट्री के कॉन्सेप्ट में साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. मुझे लगता है कि हमारा दर्शन, हमारा विचार और हमारा जो मनोविज्ञान है वो एक बृहद कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखने की कोशिश करता है. एक चीज और मैं साफ कर दूं कि जब मैं इंडियन साइकोलॉजी कह रहा हूँ, ये मान के चलिए कि इंडियन साइकोलॉजी का फाउंडेशन कुछ भी और नहीं है सिवा इंडियन फिलॉसफी के. और जब इंडियन फिलॉसफी में कह रहा हूँ तो सिर्फ दर्शन नहीं है, उसमें हमारा समाज और हमारी संस्कृति भी निहित है. सो द एबिलिटी टू थिंक, क्या लगता है कोई मनुष्य जो सोच पाता है, छोटा या बड़ा या बहुत बड़ा, उसका आधार क्या है. सो द एबिलिटी टू थिंक इवेंचुअली रिक्वायर्स ए वेरी स्पेशल क्लासिफिकेशन, एंड इट रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इट टू बी एबल टू एक्सप्लेन, एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द पजलिंग क्वेश्चंस. अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं. अगर आप आज देखिएगा कि आज बहुत सारा रिसर्च दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, और कॉग्निटिव साइंस तो अब एक अलग डिसिप्लिन ही हो गया है जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, मैथमेटिशियन भी काम कर रहे हैं, नहीं साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं. सो द कॉग्निटिव साइंटिस्ट एंड थिंकर्स, दे हैव ट्राइड टू थियोराइज कॉग्निशन बाय रेजिंग सो मेनी क्वेश्चंस. जैसे कल मैंने कहा था कि अगर हम कहते हैं संज्ञान, मेरी संज्ञान में ये है, या मैं अपने संज्ञान में इसे ले लूंगा, तो कैसे एक मनुष्य अपने संज्ञान में लेता है, या कैसे एक मनुष्य किसी भी ज्ञान को अपने संज्ञान में रखता है, तो उसका स्वभाव जानना बड़ा जरूरी है. सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉग्निशन एंड व्हाट आर द मींस ऑफ एक्वायरिंग दैट कॉग्निशन, एंड ऑल्सो व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ कॉग्निशन. कहते हैं ना कि इसकी वैधता है और इसकी वैधता नहीं है, और वो क्या मेथड है कि एक मनुष्य जिसका उपयोग करते हुए किसी वैध संज्ञान तक पहुंचता है. सो हाउ आर वी टू नो द वैलिडिटी ऑफ वैलिड मेथड ऑफ कॉग्निशन, और संज्ञान को अगर समझना है तो उसका सही तरीका क्या होगा. जैसे रिसर्च में हमेशा एक सवाल आता है कि भाई
आप कहते हैं राइट मेथोडोलॉजी, हाउ डू यू नो दिस इज द ओनली राइट मेथोडोलॉजी और दिस इज द मेथोडोलॉजी, देयर कांट बी एनी अदर मेथोडोलॉजी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपसे एनेक्डोट शेयर करूंगा। मैं एमफिल में मेल एडोलेसेंट्स पे काम कर रहा था, और जब मेल एडोलेसेंट पे उसकी जो मेंटल वर्ल्ड है, इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, उसको समझने की कोशिश करा कि आखिर एक पुरुष एडोलेसेंट किशोर जो है वो कैसे अपनी मानसिक संसार का निर्माण करता है, उसके मानसिक संसार में क्या होता है, किस तरह के प्लेजर्स हैं, किस तरह के पेन्स हैं, सभी के मानसिक संसार में ऐसा होता है। तो मैंने कल ये फैसला किया अपने सुपरवाइजर के कंसल्ट से कि मैं कोई भी एस्टैब्लिश्ड रिसर्च टूल का उपयोग नहीं करूंगा, ना तो क्वेश्चन हो ऐड होगा, ना जिस तरीके से बिहेवियरिस्टिक या रिडक्शनिस्ट फॉर्म में इंटरव्यू शेड्यूल होता है उसका उपयोग करूंगा। हमने कहा ओपन ऑब्जर्वेशन करेंगे और केस स्टडी भी, केस प्रोफाइलिंग करेंगे, क्योंकि केस स्टडी तो एक ही को लेके करना था, तो कम से कम मैंने सोचा शुरू में कि 10 साइकोलॉजिस्ट को लेते हैं और फिर काम करते हैं। खैर ये लंबी स्टोरी है, कटिंग शॉर्ट कि जो मेरा वाइवा लेने आए, नाम नहीं लूंगा, वो एनसीईआरटी के एक प्रोफेसर थे, बड़े नामी गामी प्रोफेसर, उन्होंने थीसिस को इस पार से उस पार पलटा और उस पार से इस पार, उनको रिसर्च टूल्स नहीं कहीं दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा कि वेल दिस इज ए गुड रिसर्च बट दिस रिसर्च इज नॉट सो वेल। कि जब हम और आप ये तय करते हैं कि यही एकमात्र तरीका है, तो कॉग्निटिव साइंटिस्ट कहते हैं कि कैसे आप ये सर्टेन कर लेते हैं कि यही एक तरीका है किसी चीज को अपने संज्ञान में लेने का। खैर कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं और इस बात पे मैं कायम कि महर्षि गौतम इज कंसीडर्ड नॉट ओनली द फर्स्ट लॉजिशियन एंड एपिस्टेमोलॉजिस्ट बट ऑल्सो ही इज कंसीडर्ड The first systematic writer on cognition. इसलिए आप देखिएगा कि जो न्याय पे जितनी रिसर्च हुई है उसमें विद्वान आपस में बटे बटे हैं। जो लोग अपने को लॉजिक के करीब मानते हैं तो कहते हैं कि गौतम वॉज ए लॉजिशियन, हम जैसे लोग कहते हैं कि गौतम वॉज एन एपिस्टेमोलॉजिस्ट क्योंकि उसने ज्ञान के बारे में बात की, थियरी ऑफ नॉलेज दिया है। जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में महर्षि गौतम के गौतम सूत्र की बात करते हैं वो लोग इनको कॉग्निटिव थिंकर मानते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इन ये तमाम चीजें विद्याभूषण की किताब में देखेंगे तो उसमें है। खैर आगे बढ़ते हैं। सो ही इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सिस्टमैटिक राइटर ऑन कॉग्निशन एंड ही डिस्कसेस द क्वेश्चन वेदर इट इज अ पॉसिबल टू कंसीव द मीन्स ऑफ कॉग्निशन इंडिपेंडेंटली ऑफ नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। कि क्या कोई मनुष्य, मतलब कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट होगा ज्ञान और ज्ञान की वस्तु से। इसलिए कल भी मैंने कहा था कि हमारे इंडियन थिंकिंग में, इंडियन थॉट्स में, भारतीय शास्त्रों में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इन तीनों के गंभीर संबंधों को एक साथ देखा गया है। और इसीलिए शायद इंडियन साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि अगर एक की बात करेंगे तो बाकी दो की बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं नॉलेज की बात करूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की बात करनी पड़ेगी और नोअर की भी बात करनी पड़ेगी। इसलिए ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, जिसको जाना जाए, जो उसको जाना जाए वो ज्ञेय हो गया, जो उसको जान सकता है वो ज्ञाता हो गया मनुष्य, और जिसको आप जानने की कोशिश करते हैं वो ज्ञान हो गया। तो ही मेंटेन्स इस प्रश्न के जवाब में, मतलब पहला तो इन्होंने ये सवाल पूछा कि वेदर इट इज अ पॉसिबल टू कंसीव द मीन्स ऑफ कॉग्निशन इंडिपेंडेंटली ऑफ नॉलेज एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो नॉलेज, एंड ही मेंटेन्स दैट व्हाइल द एग्जिस्टेंस ऑफ द मीन्स ऑफ कॉग्निशन इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट that there is a cognition of objects, their validity is proved by the means of knowledge themselves. इसलिए संज्ञान की वैधता ज्ञान के साधन पे निर्भर करता है, ये मैं नहीं कह रहा। और इसीलिए प्रत्यक्ष को कुछ लोग perception कहते हैं तो कुछ लोग direct cognition कहते हैं।
उसी तरीके से, और उसमें जब वो डायरेक्ट कॉग्निशन कहते हैं तो उसमें दोनों तरह के कॉग्निशन लेते हैं, सेंस कॉग्निशन, अदर मीन्स ऑफ कॉग्निशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कॉग्निशन। और कल मैं इसको बता चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, जिसके लिए इन्फरेंस की भी जरूरत है। देखिए यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इंडियन साइकोलॉजी कहता है कि ज्ञान के लिए ये 8 चीजें चाहिए, कौन कौन, इन्फरेंस, बबल टेस्टिमनी, नहीं कल हमने बात की थी, डायरेक्ट कॉग्निशन, दूसरे नंबर पे इन्फरेंस, तीसरे नंबर पे सिमिलैरिटी बाय नॉलेज बाय सिमिलैरिटी, चौथे नंबर पे हमने वर्बल टेस्टिमनी, पांचवें पे हमने बात की थी प्रिजम्पशन, छठे पे हमने बात की थी इम्प्लीकेशन, सातवें भी बात की थी नॉन एग्जिस्टेंस, और आठवीं बात की थी हमने ट्रेडिशन, जिसको ऐतिहासिक कहा गया है। अब जो ये प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द, आगम या शास्त्र जिसको आप कहते हैं, वो भी ज्ञान का साधन है, जिसको बेकर नीचे कि क्या जो किताब में लिखा है वही ज्ञान है या उसके बाहर भी ज्ञान है। अभी कहीं पे कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट किया था कि ऋषि परंपरा का ज्ञान और भारतीय परंपरा का ज्ञान, इसको इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज आप कहते हैं, और जिसमें ऋषि सिस्टम ऑफ नॉलेज, दोनों में क्या फर्क है? तो क्या ज्ञान वही जो शास्त्रों में ही है, शास्त्र के बाहर भी ज्ञान है जिसको आगम कहा गया? खैर, प्रिजम्पशन अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन संभाव, नॉन एग्जिस्टेंस अभाव, और ट्रेडिशन ऐसे। तो कॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि कॉग्निशन के लिए यानी प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ये तमाम चीजें मीन्स ऑफ कॉग्निशन काम करती हैं, जो एपिस्टेमोलॉजी से अलग है बिल्कुल। एपिस्टेमोलॉजी कहता है कि ज्ञान के लिए ये 8 चीजें चाहिए, और जो इंडियन साइकोलॉजी ने कहा, उसमें जो लोग रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कॉग्निशन के लिए ये बाकी साधों के साधन चाहिए, ये एक है। दूसरा, कल हम सतपथ ब्रह्मण को कोट कर चुके थे इसलिए हम नहीं जाएंगे, और लेकिन उसमें की एक पंक्ति आज बहुत सार्थक है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि कॉग्निशन ऑफ द सेल्फ इज डिक्लेयर टू बी द की टू द कॉग्निशन ऑफ द होल यूनिवर्स। स्व को जानना संसार को जानना है। अब आप बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे, बहुत सारे लोग इससे नहीं सहमत होंगे। अगर आप कहें समाज कौन बनाता है, तो बिना व्यक्ति का क्या समाज हो सकता है? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज बनता है। हाँ ठीक है, बाद में वो समूह कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों लेवल पे अपने समाज का निर्माण करता है, और समाज कब आप समाज के हो जाते हैं, समाज आपका नहीं, अधीन नहीं होता, उस पता भी नहीं चलता। सो इफ वन नोज द सेल्फ, नथिंग रिमेन्स टू बी नोन, एंड कंसिक्वेंटली देयर इज नो रूम फॉर डाउट। यहाँ ये जो सतपथ ब्राह्मण का वाक्य है, जिसका ट्रांसलेशन मैंने, ये जो कोजी ओर्गो सुंग की कल किसी ने बात की थी शायद, उसे बिल्कुल डिफरेंट। तो डेकार्ट कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, कहते नहीं वो खत्म हो जाएगा, पहले जानने की कोशिश तो करो अपने आप को। एनीवे, इवन एत्रेक अरण्यक में भी कहा गया है कि व्हाट इज रियलिटी, तो साफ कहा है कि रियलिटी इज माइंड डिपेंडेंट, अगर आपके चेतना में चीजें नहीं है तो आप उसका संज्ञान नहीं ले सकते। सो इन फैक्ट इट इज अ कॉग्निशन इटसेल्फ। So the cognitive act is analyzed, as I said earlier, I'm repeating, into the know, that is, अब यहाँ कुछ लोग ज्ञाता कहते हैं, कुछ लोग प्रज्ञाता कहते हैं, the intellect, pragya, and intellect, the pragya, and the pragyan. तो ये तीनों के संबंधों को आप देखिए, ऐतरेय अरण्यक में इसकी व्याख्या की गई है, प्रज्ञाता, प्रज्ञा और प्रज्ञान, तीनों में क्या संबंध है? सो इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट कॉग्नाइज्ड, तो ये जो चार संबंध किए गए, यहीं से कॉग्निटिव साइंस का जन्म होता है भारतीय दृष्टिकोण से। इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड दैट ऑल रियलिटी एग्जिस्ट ओनली सो फार एज इट इज नोन, या यूं कहें एट इट इज एज इट एग्जिस्ट इन योर कॉग्निटिव माइंड और योर कॉन्शियस माइंड। सो दुनिया के तमाम रियलिटी, मैं नहीं कह रहा
आपका, अगर मैंने अपनी किताब में इसका रेफरेंस भी दिया है कि ऐतिहारिक ने इस बात को कही हुई। यहाँ थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट भी है, जो दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो नहीं एग्री करते हैं इसे। विद माइनर डिसएग्रीमेंट विद वन अनदर मेजोरिटी, देखिए सभी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, सभी दर्शन हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। प्रभाकर कल भी मैंने बात किया था कि दे मेंटेन दैट कॉग्निशन मैनिफेस्ट कॉग्निशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन एंड द कॉग्नाइजर। वो बड़ा साफ कह देता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ और नहीं, कॉग्निशन इटसेल्फ मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन एंड द कॉग्नाइजर आल्सो। इसलिए वो तीनों में कॉग्निशन को, संज्ञान को सुप्रीम रखता है, कोई कॉग्नाइजर नहीं, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन नहीं, कॉग्निशन अपने आप में उसको मैनिफेस्ट करता है। अगर आप वहीं पे अद्वैत वेदांतिस्ट को देखेंगे, दे अराइव एट द कंक्लूजन दैट कॉग्निशन इज सेल्फ मैनिफेस्टेड एंड सेल्फ शाइनिंग, शायद मैंने कल भी कहा होगा। अगर आप भट्ट मीमांसा में कॉग्निशन को देखने की कोशिश करेंगे, जो इंडियन साइकोलॉजी पे कुछ लोगों ने इस पे अच्छा काम किया है, कि कॉग्निशन इज नीदर सेल्फ मेंटेन्ड नॉट डायरेक्टली परसीव्ड। अब देखिए भारत के दर्शन में ही जो इंडियन साइकोलॉजी ने सब कुछ वहीं से लिया है, और देखिए अब डिफरेंसेस होते चले जा रहे हैं, और वो अच्छा है, तभी तो रिसर्च हो पाएगा, तभी तो कुछ और ज्ञान निकल के आ पाएंगे। सो इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कैरेक्टर नोननेस, जिसको ज्ञातता कहा है। सो द बट्टा एसर्ट्स दैट वी कैनॉट कॉग्नाइज कॉग्निशन इमीडिएटली बाई इटसेल्फ और इवन बाई इंटरनल परसेप्शन। सर किरण कुमार मुझसे कहते थे कि भाई इतने मुश्किल मुश्किल लिख दिए गए हैं सूत्र, और उसका एक तो पहले उसका हिंदी समझो, फिर वो इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि उसको रिसर्च के लेवल पे लाओ। तो मुझे याद है कि मैं उनसे कन्वर्स करते हुए, बहुत जगह पे हम लोग साथ रहे थे, दिल्ली, पांडिचेरी, मैसूर और भी कई जगह, तो मैंने कहा था कि देखिए वो लोग 6 महीने, साल भर, 2 साल किसी भी चीज़ों पर मनन करते थे, और तब जाके एक सूत्र या एक वाक्य देते थे हमें। आज हम इतनी जल्दी में हैं कि सूत्र को बनाना तो छोड़िए, हम दूसरे की ही चीजों को, जो जिसने वर्षों में सीखा और समझा, उसको 1 मिनट में समझ लेना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। खैर, तो आपको भट्ट उनसे अलग होते हैं, न्यायिक देखेंगे और वैशेषिका को देखेंगे, तो दे एजर्ट दैट कॉग्निशन इज कॉग्नाइज्ड बाय इंटरनल परसेप्शन, वो साफ कहता है, अपने आप नहीं देखता है। इसका मतलब इंटरनल परसेप्शन के ऑर्गेन्स आपके सही नहीं है तो चीजों को आप नहीं कॉग्नाइज करेंगे, और मॉडर्न साइंस ये कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ देखना, अगर आंखें सही नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। त्वचा की सेंसिटिविटी चली गई है तो आप छू के नहीं समझ पाएंगे कि ये मुलायम है कि कठोर, ये ठंडा है कि गर्म, ये मॉडर्न साइंस कह रहा है। तो इनके अनुसार, कल भी मैंने कहा था सिंक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट, न्याय वैशेषिक के अनुसार इंडियन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कॉग्निशन इज ए डेफिनेट एंड ए श्योर नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ए ट्रू एंड प्रेजेंटेशनल इन कैरेक्टर, कि उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप समझ लें, उसको कॉग्नाइज कर लें, तो उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इट इज दैट नॉलेज विच इज ए फ्री फ्रॉम डाउट एंड इल्यूजन। चलिए, एक व्यक्ति इस पे इस तरीके से बहुतों में कोट कर सकता हूँ और कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल है, अगर आपको मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो मीता जी के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थियरीज ऑफ कॉग्निशन फ्रॉम इंडियन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और उसमें परांजपी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। किताब ही है सेल्फ एंड आइडेंटिटी करके उनकी, जिसमें ये चैप्टर जरूर उसको पढ़िएगा। और 1 घंटे में मैं न्याय नहीं कर पाऊँगा इस विषय के साथ। और अगर आपका है, कल 2 छात्र उसी विद्यापीठ में कह रहे थे कि मॉडर्न में हम क्या काम करें, तो हमने कहा कुछ ऐसी चीज़ों को लें जो NEP जिसकी ओर इशारा कर रहा है कि मनुष्य का संज्ञान समृद्ध हो, तो उसके संवर्धन के लिए कौन से कॉग्निटिव एपरेटिस का उपयोग हम कर सकते हैं जो हमारी संस्कृति को सूट करता है। देखिए कुछ चीज़ें हैं
जो कल्चरल स्पेसिफिक है ना, तो मानना पड़ेगा। और इसलिए मैंने बार बार कहा कि धर्म और संस्कृति में से मुझे चुनना के लिए छूट दी जाए तो मैं संस्कृति को चुनूंगा, धर्म को नहीं चुनूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि धर्म संस्कृति का एक छोटा हिस्सा है। और इसीलिए जब आप अन्य धर्म को अपनाते हैं तो आप अपनी संस्कृति से बिल्कुल कट जाते हैं। खैर, तो उसको उसे जरूर पढ़ेगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो उन्होंने कहा है और उस पर जो मेरी समझ बनी है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। चाहता तो मैं यूँ था कि कुछ और बातें मैं करूँ कि आज जो मॉडर्न कॉग्निशन में जो चीज़ें काम हो रही हैं कि आँख कैसे परसीव करता है, उसमें माइंड का क्या रोल है और उसमें टोटैलिटी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का क्या रोल है, इस पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कंपैरिजन एक साल में एक घंटे में पॉसिबल नहीं है, बहुत वक्त लगेगा। तो मैं सीधे सीधे आपको कुछ और अंश लेके चलता हूँ जो आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे और आप में से कुछ लोग चाहें। जरूरी नहीं है पीएचडी करने के लिए, कोई जरूरी नहीं है, आप अदरवाइज भी रिसर्च का टॉपिक अपना बना सकते हैं, कोई भी आइडिया का रिसर्च बना सकते हैं और वो आप कर सकते हैं। तो मैं वहां आपको ले चलना चाहूंगा कि किस तरीके से जो इंडियन साइकोलॉजी है वो कॉग्निशन को देखता है और हमसे अपेक्षा करता है कि उस पर फर्दर रिसर्च करें और उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर पूरे भारत में उदाहरण के तौर पे 100 रिसर्च होती हैं तो 99 वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे होती है, एक आध इंडियन कॉन्सेप्ट पे लेके होता है, नहीं के बराबर होता है, जो दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि अगर हम रियली सिंसियर हैं कि इंडियन साइकोलॉजी पहले इंडिया में अगर ठोस नहीं बनेगा, जहाँ वो हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होगा पढ़ने लिखने का, तो बाहर कैसे करेंगे। कुछ लोग बाहर के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, काफी अच्छा काम किया है। एनीवे, जैसे मैंने नाम आपको लिया कि सरकार खोले वो दूसरी बात है, किसी व्यक्ति ने इंडियन साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से, पहला व्यक्ति जिसने भारत में ही इस इंस्टीट्यूट को खोला वो नीदरलैंड का रहने वाला व्यक्ति है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और पढ़ते और जाते हैं। अगर आप पुराने साइकोलॉजिस्ट में देखेंगे फ्राइड, एडलर और यूंग में से, तो कार्ल यूंग इंडियन थॉट के ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। और ऑलमोस्ट लास्ट के दिनों में उन्होंने फ्राइड और एडलर की बातों से अपने को बिल्कुल डिसोसिएट किया है। एनीवे, तो इंडियन साइकोलॉजी में अगर मुझसे कहा जाए कि भाई ठीक है, न्याय एपिस्टेमोलॉजी, न्याय और वैशेषिक कॉग्निटिव साइंस तो है ही, और किसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, तो हेवार्ड और बरेला का एक वर्क है जिसमें उन्होंने कहा है कि बुद्धिस्ट परंपरा ने इंडियन साइकोलॉजी को, खासकर इंडियन कॉग्निटिव साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा एनरिच किया है। सो इट ऑफर्स एन एलैबोरेट थियोरी ऑफ कॉग्निशन व्हिच हैज रिसेंटली स्टार्टेड टू बिकम वेल नोन। वेस्ट के लोग इस परंपरा में जो उसकी एलैबोरेशन है, तो मुझे लगता है कि वेस्ट के लोग केवल बुद्धिस्ट साइकोलॉजी या बुद्धिस्ट परंपरा में जो इंडियन कॉग्निशन के ऊपर चीज है उसी को क्यों केवल देखते हैं, जो न्याय और वैशेषिक की परंपरा में है, जो सांख और मीमांसा की परंपरा में है, जो योग और वेदांत की परंपरा में, उसको भी जाने। तो कोई स्टडी करेगा तभी तो पता चलेगा। देखिए, आज जो कुछ आप करेंगे वो आज की भाषा में आपको बात करनी पड़ेगी। मैं बड़ा साफ हूँ इस मामले में, कल हम लोगों ने इतनी अच्छी चर्चा सुनी, लेकिन एक छोटा सा सवाल कि जो आज से मान लीजिए 1000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले, उसको हम क्या रेप्लिकेट आज कर सकते हैं? कम से कम दो चीजों की वजह से हम नहीं कर सकते हैं, एक है समय और दूसरा है काल। जो टाइम स्पेस है वो बदल चुका है, तो जिस डायरेक्शन में ये बदल रहा है उसी तरीके से आपको बदलाव करते हुए अपने शास्त्रीय ज्ञान को अगर रिसर्च के डोमेन में, थीसिस के डोमेन में लाएंगे तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा और तब उस पर ज्यादा काम होगा। एनीवे, इसी तरीके से तो एक तो ये है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अद्वैत, और अब देखिए दर्शनों में भी देखेंगे तो वेस्ट के लोग ज्यादातर अद्वैत परंपरा से हैं, वो मानते हैं कि बस अद्वैत वेदांत जो है वही इंडियन साइकोलॉजी को कुछ दे सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। और यही बात मैं
इंडियन साइकोलॉजिस्ट के जितने लोग थे वो लोग तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, लेकिन कभी कभी मुझे मौका मिलता रहा था. हम लोग जो थे, जैसे मैं था, प्रोफेसर बी एन झा थे, प्रोफेसर एस आर भट्ट थे, और भी लोग थे, कई लोग थे जो लोग मतलब नॉन वैदांतिक परंपरा में कुछ पढ़ा लिखा था और किया था, वो लोग ये कहते थे कि वहाँ भी देखने की जरूरत है, वहाँ क्या है और नहीं है. ठीक उसी तरीके से अगर आप, अभी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था आपको, या कल भी दिया था शायद, कि स्वविकल्प प्रत्यक्ष का और निर्विकल्प प्रत्यक्ष का. अब ये कॉग्निशन के लिए ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी. और जिसका आज की कॉग्निटिव साइंटिस्ट कंटेम्पररी यूसेस कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं. तो क्योंकि वहां पे दो तरह की, कल भी मैंने आपसे बात की थी कि दो तरह की परसेप्शन की बात करते हैं, और ये लोग कहते हैं कि विदाउट एंड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स आज कॉग्निशन को नहीं समझा जा सकता. सो टुगेदर दैट इज द निर्विकल्पक एंड स्वविकल्पक, दे अकाउंट फॉर सर्टेन कोर फीचर्स ऑफ कॉग्निशन. एंड द रीजन फॉर दिस फोकस इज दैट, ब्रांच पे लिखते हैं, दैट आई एक्सपेक्ट देयर डिस्कशंस टू हेल्प ब्रिंग आउट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन कॉग्निटिव प्रोसेसेस. उसी तरीके से न्याय और वैशेषिक परंपरा को साथ लेते हुए, कल भी मैंने बात की थी, सब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और स्वविकल्पिक प्रत्यक्ष, तो कॉग्निशन जो है उसके बारे में मेन रूट्स में लाने की जरूरत है. लेकिन मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा, अगर आप मनुष्य के संज्ञान को, ह्यूमन कॉग्निशन को समझना चाहते हैं, तो ह्यूमन पे कॉग्निटिव रिसर्च करना होगा. नहीं, आप देखिए वेस्टर्न परंपरा में, बिहेवियरिज्म में सारी लर्निंग थियरीज नहीं है. आज सारे एजुकेशन के लोग कहते हैं ना, दे आर द लर्निंग थियरीज. आप जरा पूछेंगे उन साइकोलॉजिस्ट से, चाहे पावलोव से, थॉर्नडाइक से, स्कीनर से, किसी का नाम लीजिए आप, तो कहेंगे नहीं, ये लर्निंग थियरीज तो हमने बनाई नहीं है, ये तो कॉग्निटिव थियरीज है. प्याजे से आप पूछिएगा, लेकिन अब देखिए आज हम प्याजे के कॉग्निटिव थियरी को लर्निंग थियरीज के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं. खैर, अभी उस डिबेट में नहीं जाना है. जाना इस डिबेट में है कि अगर ह्यूमन कॉग्निशन की बात करते हैं, तो भारतीय मनोविज्ञान, इंडियन साइकोलॉजी, बड़ा साफ कहता है, वो इंडियन साइकोलॉजी जो इंडियन सिस्टम ऑफ नॉलेज या इंडियन थॉट सिस्टम पे आधारित है या इंडियन फिलॉसफी पे आधारित है, कि मानव के संज्ञान को समझना है, और मानव के संज्ञान को समझने के लिए चाहे वो न्याय वैशेषिक की परंपरा हो, चाहे वो अद्वैत की परंपरा हो, जिसमें नौ निर्विकल्पक और स्वविकल्पिक परसेप्शन को या को हमें समझना ही पड़ेगा. इसी पेपर में आप परांजपे ने, उन्होंने कहा है कि देयर इज अ सजेशन दैट समथिंग दैट ट्रांसेंड्स ऑल ड्यूअलिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ एनी टाइप व्हाट्सएवर, एंड सेकेंडली दैट अवेयरनेस ऑफ सम काइंड इज व्यूड एज ए प्राइम ऑर्डियल फीचर ऑफ एग्जिस्टेंस. मनुष्य का अस्तित्व इस बात पे है कि मनुष्य एक अवेयर प्राणी है, कॉन्शियस है. ये तो अब संज्ञान को इंडियन साइकोलॉजी कहता है कि अगर कॉग्निशन को समझना है, तो आपको कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन को एक साथ समझना पड़ेगा. ये इंडियन साइकोलॉजी वेस्टर्न साइकोलॉजी से अलग है. वो जब कॉन्शियसनेस की स्टडी करते हैं तो कॉग्निशन को हटा देते हैं, जब कॉग्निशन की स्टडी करेंगे तो बाकी कॉन्सेप्ट को हटाते हैं. इसलिए मानव चूंकि अपने आप में एक संपूर्ण है, तो उसी हिसाब से इसको भी देखने की जरूरत है. अगर मैं राव को कोट करूं, तो प्रोफेसर राव, ही हैज व्यूड ऑल लिविंग बीइंग्स एज इंडिविजुअलाइज्ड सेंटर्स ऑफ अवेयरनेस. और वैदिक परंपरा में भी यही कहा गया है, दैट नेचुरली पार्टेक consciousness and which is the fundamental feature of jo Vedanta use karta hai, Brahman. So the ultimate reality from which everything evolved. Aaj ke modern science ho sakta hai is baat pe na agree kare, lekin ye baat wo bar bar kehte hain. However,
the individualized consciousness, that living being experience, is naturally limited by the body in which they reside. इसलिए संज्ञान का होने के लिए, प्रॉपर संज्ञान का होने के लिए, ठीक है कुछ लोगों को एक अंग काम नहीं करता है तो दूसरे अंग में ये होता है. मैं ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड मित्रों को जानता हूँ कि अगर उन्होंने एक बार मुझसे मिला और उनको नाम याद है तो हजारों लोगों का नाम एक साथ आपको याद कर बता सकते हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड हैं तो उनको हजारों लोगों का टेलीफोन नंबर याद रहता है. हमारे एक मित्र हैं जो आप उनको नंबर दीजिएगा तो वो सिर्फ लास्ट के 5 नंबर लेते हैं और कहते नहीं ये 5 तो लेने की जरूरत ही नहीं. अब उस टेक्निक से वो कहते हैं कि मुझे कम से कम मेरे क्लोज में 200 मित्र हैं और सभी 200 मित्रों का टेलीफोन नंबर याद है और जिसको मैं बिना देखे हुए यूज करता हूं. सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इंडियन साइकोलॉजी में कॉग्निशन है वो इंडिविजुअलाइज कॉन्शियसनेस को भी शामिल करने के लिए कहता है, इसकी रिसर्च और इसकी समझ को बनाने के लिए. सो द इंडिविजुअलाइज कॉन्शियसनेस दैट लिविंग बीइंग एक्सपीरियंस इज नेचुरली लिमिटेड बाय द बॉडी इन विच दे रिजाइड. इसलिए शरीर खत्म होता है, सब खत्म हो जाता है. एंड इट इज एज इफ ए लिविंग बीइंग इज अ सेंटर ऑफ अवेयरनेस एंट्रैप्ड इन ए स्फीयर विद विंडोज ऑफ द वर्ल्ड. So, उसके पास क्या क्या है विंडोज ऑन द वर्ल्ड संसार को देखने का, उसके पास सेंस ऑर्गन्स है तो सेंस ऑर्गन्स पे रिसर्च होनी चाहिए. लेकिन कभी कभी देखिए अगर मन विषिप्त है, जो संगीत आपको बहुत अच्छा लगता है और मन से आप डिस्टर्ब है, वही संगीत उस वक्त क्यों नहीं अच्छा लगता है? वही बच्चे आपके पास आ जाए तो आपको वो अच्छा नहीं लगता? कोई भी आप प्यारी से प्यारी और सुंदर से सुंदर वस्तु जिसको आप बहुत चाहते हैं लेकिन मन से कुछ परेशान हो गए. इसलिए इंडियन साइकोलॉजी कहता है मन को समझना बड़ा जरूरी है. और वेस्टर्न, अगर इंडियन साइकोलॉजी अगर कॉग्निशन के ऊपर रिसर्च करे तो बड़ा साफ है कि अगर वो मन को फिर से सेंटर में ले आए तो हम एक पैरेलल, हम ये नहीं कहते हैं कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ होंगे या नहीं करेंगे, ये तो समय बताएगा, लेकिन हम एक पैरेलल सिस्टम दे सकते हैं. क्योंकि वो मन को नहीं समझ पाए, मन को छोड़ा और व्यवहार का अध्ययन करते हुए वो मनोविज्ञान का निर्माण उन्होंने किया है. मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मन से मेरा व्यवहार बनता है या व्यवहार से मेरा मन बनता है? कोई भी व्यक्ति आप में से ये कहेगा कि भाई मन मेरे व्यवहार को का संचालन करता है, मेरा व्यवहार मेरे मन का संचालन नहीं कर सकता. हाँ, दूसरे के लिए कर सकता है, खुद के लिए नहीं. आप किसी व्यक्ति के प्रति घृणित भाव रखते हैं, द्वेष रखते हैं, मान लीजिए उसने कुछ आपका बुरा किया है, लेकिन कालांतर में जाके उससे आप अच्छा व्यवहार करते हैं कि नहीं 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 ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है मेरे लिए, बहुत अच्छा इसका व्यवहार है. लेकिन क्या अच्छे व्यवहारों से किसी के मन को सुनिश्चित किया जा सकता है कि उसका मन भी अच्छा है? मन अच्छा है या बुरा ये कैसे जाने? इसलिए अगर आप कॉग्निशन इन इंडियन साइकोलॉजी की बात करें तो वो बड़ा ही स्पाइरल हो जाता है कि एक विषय वस्तु को समझने के लिए इन तमाम चीजों को एक साथ समझना होगा, अलग अलग नहीं करना. सो इन शॉर्ट इस डिस्कशन को हम रखते हैं. प्रोफेसर राव ने तो इस पर काफी लंबा चौड़ा लिखा और कहा भी है. उन्होंने कहा कि देर आर इंट्रिंजिंग लिमिटेशंस of the capacities of the sense organs and the other means of knowing such as the mind even. So that are the disposal of each individual of every species. इसलिए देखिए ना, एक ही समाज में तो हम रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, अगर मान लें कि एक प्रकार की संस्कृति में रहते हैं लेकिन सबका मन अलग अलग है, सबका मस्तिष्क अलग अलग है, वो कैसे हो? तो प्रोफेसर राव कहते हैं कि ऑल्दो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ऑफ द ब्रह्मन इज अ वेरी बेसिस ऑफ अवेयरनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस इज शेप्ड बाय हिज और हर इंट्रिंजिकली लिमिटेड सेंसरी एंड मेंटल कैपेसिटीज. इसलिए जो आपके सेंसरी नॉलेज की सीमाएं हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटीज की सीमाएं हैं, उसी हद तक तो आप संज्ञान कर पाएंगे किसी भी वस्तु का, उसके बियॉन्ड आप नहीं कर पाएंगे. कुछ लोग होंगे जिसको
वेस्टर्न साइकोलॉजी में या यूं कहें कि पर्सीव साइकोलॉजी में कहा गया है एक्स्ट्रा साइकिक पावर कुछ लोगों के पास होता है, और वो एक्स्ट्रा साइकिक पावर से अपने आत्मा को कहीं भी ले जाके वहाँ की वस्तु स्थिति का चित्रण आपको कर देंगे। अब सवाल है कि अगर ऐसा है और ये चीज़ें मौजूद हैं हमारी लोक कथाओं में, हमारी शास्त्रों में, तो हमने उस पर रिसर्च क्यों नहीं किया और क्यों नहीं करते हैं उसको समझने के लिए और जानने के लिए? आज इस बात की आवश्यकता है। खैर, और आगे अगर हम बढ़ें, इंडियन साइकोलॉजी में कॉग्निशन की बात करें, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कॉग्निशन इज अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एज ए नोअर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एंड एज सच इट इज अ कलर्ड बाय द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। भाई कोई व्यक्ति इतना दक्ष कैसे हो जाता है गणित में जैसे रामानुजम हो गए थे? तो दिन रात उठते बैठते सोते जागते अगर वो किसी के बारे चीज के बारे में सोचते थे तो वो नंबर के बारे में सोचते थे, और वो नंबर सिस्टम के मास्टर हो गए थे। ठीक है कि उनके अपने इंटरनल ऑर्गन्स जो थे, परसेप्शन ऑर्गन्स की अनलिमिटेड पावर थी, लेकिन ये चीजें करती हैं। और वही बात हमारा इंडियन साइकोलॉजी कहता है कि कॉग्निशन इज अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ कोर्स बिटवीन द सब्जेक्ट एज ए नोअर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज इट इज शेप्ड बाय द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। आप कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़िए, उसमें ये बात नहीं मिलेगी आपको। और शंकराचार्य ने इसी को वेलिंग एंड प्रोजेक्शंस के नाम पे कहा है, दे आर द कॉमन प्रोसेस दैट progressively and deeply that affect the cognition. So being specifically interested in self-knowledge, self-knowledge mein bahut rehte the, he has pointed out how veiling and projection affect knowledge on the self. आप अपने को नहीं जान पाते इसकी वजह से। अब एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, अब जिस दिन हम लेक्चरर बने, पहले हमारे जमाने में नहीं था असिस्टेंट प्रोफेसर का शब्द, तो मेरी पहली अपॉइंटमेंट हुई 2200 से 4000 के ग्रेड में। वहीं पे जो सीनियर थे वो रीडर थे, कॉलेज में तो प्रोफेसर होता नहीं था, अब होने लगा है थैंक्स, और ये एक अच्छा पहल है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो उनकी सैलरी देखी तो हमने कहा यार ये 2200 रुपये की सैलरी पे हम काम करेंगे क्या एक महीने के लिए? अब वो तो हमें लगा हम क्या करेंगे कि हम वहां पहुंच जाएंगे, तो कौन सा पद चाहिए हमें, कौन सी प्रतिष्ठा चाहिए हमें, कितने एपीआई स्कोर चाहिए, तो ऑब्वियसली सेल्फ को कैसे जानेंगे? उनके पास ये सब काम नहीं था। मैंने अभी अपने मित्र प्रोफेसर किरण कुमार को आपको कोट किया, काफी बड़ी सिंसेरिटी के साथ इंडियन साइकोलॉजी पे वो काम करते हैं और अपने तरीके से करते हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या इंडियन साइकोलॉजिस्ट ही जो इंडियन साइकोलॉजी में काम करते हैं वो मुझे एक्सेप्ट करें या ना करें। वो कहते हैं ये मेरी समझ है, मैं इसी तरीके से काम करूँगा। अगर सभी ऋषि मुनि की अपनी समझ थी तो मेरी भी अपनी समझ बननी चाहिए, और बिल्कुल ठीक बात थी। तो उन लोगों के पास ये काम नहीं था, उनके काम ये था इसलिए इस काम को कर रहे। अब वो जो इतने समय और मनन के बाद सीखा उसको हम बहुत संक्षेप में सीख लेंगे तो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं बात तो करना चाहता था कॉन्शियसनेस का, जिसको हमारी भारतीय परंपरा में इसको चित्त कहा गया है। कितना टाइम बचा? ओहो, आई एम सो सॉरी, नहीं, आई डोंट वांट टू डू दिस, सो लेट मी मूव अहेड। एक बात कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तमाम बातें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या आज के संदर्भ में हम इस पे रिसर्च करेंगे? तो एक थिंकर हुए हैं जिन्होंने यही एक पैरेलल स्टडी की है कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन है वो आज कॉग्निटिव साइंटिस्ट जिस ओर इशारा कर रहे हैं और जिस तरह का रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो जिस्टाल्टियन एक्सप्लेनेशन है कॉग्निशन का, आपको पता है कि कोहलर एंड कोफका ने इनसाइट थियोरी को जन्म दिया था,
तो जो जेस्टाल्टियन अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए कॉग्निशन होने के लिए सिर्फ परसेप्शन का होना जरूरी नहीं है, वो इनसाइट भी है। हाँ वो ठीक है कि इनसाइट कैसे होगा वो एक अलग का बहस है, लेकिन वो सूझ या बूझ, दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो सूझ नहीं होगा तब तक बूझ नहीं होगा। आज अगर आप जेस्टाल्टियन पर्सपेक्टिव में अभी जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं आप देखेंगे वो लोग भी इस पे जोर दे रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ एपरेटस कुछ अंग मेरे ना काम करते हो, लेकिन फिर भी संज्ञान संभव है क्योंकि एक खास प्रकार का सूझ मेरे पास है। दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे कि क्या रैशनल एम्पिरिकल जो आज क्योंकि साइकोलॉजी अब साइंस हो चुका है और साइंस होने के लिए इसको रैशनल एम्पिरिकल नॉलेज डोमेन में काम करना पड़ेगा, तो क्या हम एम्पिरिकली संज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, इंडियन साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, इंडियन साइकोलॉजी में किया जा सकता है? तो मेरा उत्तर होगा हाँ किया जा सकता है। तब लेकिन करना क्या होगा कि आपको एक तरह का फ्यूजन करना होगा या ट्रायंगुलेशन करना होगा जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं खुश होता हूँ तो मेरे मस्तिष्क के किस हिस्से में क्या हलचल होती है, जब मैं दुखी होता हूँ या अति दुखी हो जाता हूँ तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली फिजियोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ जैसे फिजियोलॉजिस्ट उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं वैसे आप ना करें, आप उसका सहारा जरूर लें, लेकिन इंटरप्रिटेशन तो ब्रॉडली आपको जो इंडियन थिंकर्स ने, चाहे वो अद्वैत वेदांतिस्ट हैं या न्यायिक हैं चाहे वैशेषिकवाद हैं, जिस रूप में कहा है उस रूप में आप करेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि कॉग्निशन, एक तरीके से समराइज ही कर रहा हूँ कि कॉग्निशन जो है और जो कॉग्निटिव प्रोसेस है भारतीय मनोविज्ञान के लिए इंडियन साइकोलॉजी में, वो तीनों के संबंधों को या चारों को कह लीजिए संबंधों को एक साथ देखने की कोशिश करता है, जिसमें नॉलेज है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ज्ञान, ज्ञान का वस्तु और ज्ञाता, और इन सब का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है कॉन्शियसनेस। इसलिए अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं, मैं अभी नहीं दिखा सकता आपको इस पे, तो आप देखिएगा कि एक वर्टेक्स पे आप ज्ञाता को रखें, एक वर्टेक्स पे ज्ञेय को रखें और एक वर्टेक्स पे आप ज्ञान को रखें, तो ये जो तीनों का संबंध बनता है, पता नहीं मैं दिखा पाऊंगा, देखता हूँ तो दिखाने की कोशिश करूंगा, तो उसके सेंटर में चित ही आता है, कॉन्शियसनेस ही आता है, और ये इसकी खूबसूरती है कि वो कहता है कि अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो आप संज्ञान का अध्ययन एक छात्र के रूप में नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अभी अभी एक छोटा सा ड्रॉ किया, पहले से मेरे पास ड्रॉ किया हुआ नहीं है, मैं अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ। इस संक्षेप में मनुष्य तो है ही और आप शायद इसको देख पा रहे होंगे, अभी अभी मैंने ड्रॉ किया, तो ये जो ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स पे आप ज्ञेय को रखें, ज्ञान को रखें और ज्ञाता को रखें, तो ये जो सेंटर है जो तीनों वर्टेक्स को जोड़ता है और जो पूरा स्पायरल है सर्कुलर है, वो इंडियन साइकोलॉजी में कॉग्निशन क्या है उसको समझने में आपकी मदद कर सकता है और इस तरह के रिसर्च आप कर सकते हैं। अब मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं और अगर आपका की कोई टीका टिप्पणी व्याख्या ऑब्जर्वेशन प्रश्न तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सर।